स्टूडेंट्स, आज का क्लास रोज का अंतिम है, लास्ट है और बच्चे जुड़ जाएं। आज का क्लास इसका लास्ट क्लास है, रोज का लास्ट क्लास है और बच्चे आ जाए, जहां भी हो लाइव में आ जाए बच्चे। आज का क्लास इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आपका रोज का यह लास्ट है और बच्चे जुड़ जाएं। बैच शुरू होने वाला है और आज कल मैंने प्रोज पढ़ाया था, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को बताया था, उस पर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और थोड़ा सा उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और बस यही बोलना चाहते हैं। देख भी रहे हैं, मैसेज देख भी रहे हैं, कल आप लोग कुछ यूजलेस मैसेज कर रहे थे। एक कोर्स बाकी है, हम समझ रहे हैं एक कोर्स बाकी है, लेकिन लगभग हो गया ना 10-11। हम शुरू से 11 में 10 ही पढ़ाते हैं, शुरू से पढ़ाते हैं बस। और यूट्यूब है, यूट्यूब पर सब बताया भी नहीं जाता है। चलो भाई, तो कल मैसेज मैंने देखा है, हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं आप पुराना और इस प्लेटफॉर्म पे रहिए, नहीं तो किट मार देंगे पुस्कर, क्योंकि कल मैंने आलतू फालतू मैसेज आप लोगों को देखा। मैं बोलता हूं इसका मतलब यह नहीं है, मैं अच्छा बोलता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसमें कुछ भी आके आलतू फालतू बकेंगे। इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस पर रहना होगा, सही से रहना, नहीं रहना होगा आउट हो जाओ इसमें। इसलिए हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुन रहे हैं। कल मैंने इसमें देखा है तो फालतू लोग मैसेज करते हैं, कोई काम धाम नहीं जाता है, तुमको कोई काम नहीं, तुम बाहर निकलो इसमें से। ये पढ़ने वाला प्लेटफॉर्म है और एक पाक प्लेटफॉर्म है, जिसको नापाक नहीं करना है और नापाक करने भी नहीं देंगे। हमको कोई जरूरत नहीं है हमको कुछ करने के लिए, इसमें याद रखना। हमको न खान बनना है ना कोई कुछ बनना, हमको बस सिंपल एक टीचर बनकर रहना है। 22 साल से पढ़ा रहा है, कोई नया नहीं पढ़ा रहा है, लोग 8 साल 10 साल में बहुत लोग देखिए आलतू फालतू वायरल करके बहुत बड़ा बोल सकते हो, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनने में बहुत समय लगता है, एक अच्छा व्यक्ति बनने में बहुत समय लगता है। और शायद यह कह सकते हैं हम लोग इस बात को कि आज बहुत दिन से टिके हुए हैं, एक दिन दो दिन से नहीं टिके हुए हैं। तो कम से कम प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे, आलतू फालतू मैसेज न करें, कल मैंने देखा है, और यह मैसेज प्लीज नहीं करेंगे आप। हम रिक्वेस्ट करते हैं, पढ़ना होगा तो प्लीज वेलकम है, नहीं पढ़ना होगा आउट क्लास, ठीक है। चलो, मैसेज फालतू देखिए करने से जो पढ़ने वाले हैं उसको डिस्टर्ब होता है, नहीं पढ़ने वाला तो कोई नहीं पढ़े। देखिए आप लोगों को बताना है, ICCE, बच्चे गौर करें, आ जाए ICCE इज एन प्रोज। ICCE कैसा प्रोज है, ICCE कैसा प्रोज है बच्चे, ICCE कैसा प्रोज है। चलिए आप लोग पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग उसमें यूजलेस मैसेज करते हैं, जो निरर्थक मैसेज है, इसे कोई काम धाम नहीं है, उनसे वो टॉक करेगा, ये क्या बात है भाई, वो टॉक क्यों करता है, मेरे से तुम जुड़े हुए थे, आप पढ़ो, आपको उसमें समझ में नहीं आता था हमसे कुछ। चलो ठीक, चलो तो ICCE इज एन प्रोज, कैसा प्रोज है, एसे है, एक्सट्रैक्ट है, स्पीच है या नन है, बच्चे गौर करना, एक्सट्रैक्ट है, स्पीच है या क्या है बच्चे, इसमें आप लोग को बताना है। और बस यही कहेंगे बच्चे जुड़ जाए और इसको ध्यान दें, बच्चे ध्यान दें, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऐसे है कि एक्सट्रैक्ट है, दो ही बताना है, ऐसे है कि एक्सट्रैक्ट है, ऐसे है कि एक्सट्रैक्ट है, बच्चे बताइए, आप लोग बताइए क्या है, एक्सट्रैक्ट नहीं है, ऐसे है। तो वन का हो गया ए नंबर, वन का ए नंबर हो गया, वन का ए नंबर हो गया बच्चे, वन का ए नंबर हो गया। चलो दूसरा, एम के गांधी, देख रहे हैं एम के गांधी रोड, एम के गांधी ने लिखा, क्या लिखा, कौन किताब लिखा, भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन, आई हैव ए ड्रीम या नन, आई हैव ए ड्रीम या नन, आप सबको बताना है। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या लिखा, आप देखिए आराम से पढ़ेंगे, आपको बहुत मुश्किल आएगा,
कल जैसे आप देखे होंगे आराम से पढ़ेंगे आप, लेकिन कल उसमें कुछ लोग फालतू बात कर रहे थे। एम के गांधी रोड, एम के गांधी ने लिखा भारत इज माई होम इंडियन सिविलाइजेशन, आप सबको बताना है। इसका आंसर हो गया बी नंबर, दो का आंसर हो गया बी नंबर, दो का आंसर हो गया बी नंबर, दो का आंसर हो गया बी नंबर, हो गया बी नंबर, हो गया। चलो, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन डैश सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता बेहतर है किस सभ्यता से, ओल्ड से, एंशियंट से, मॉडर्न से कि नन से, आप सबको बता रहे हैं। भारतीय सभ्यता बेहतर किससे है, भारतीय सभ्यता बेहतर किससे है, आप इसका जवाब दें, आराम से पढ़े प्लीज, एक अच्छा माहौल बनाएंगे, आपको फायदा होगा। भारतीय सत्ता बेहतर किससे है, मॉडर्न से। भारतीय सत्ता बेहतर है मॉडर्न से, मॉडर्न से है। भारतीय सत्ता क्या है, बेहतर है मॉडर्न से। इसका सी नंबर होगा, तीन का सी नंबर होगा, तीन का सी नंबर होगा, तीन का सी नंबर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन, यह किताब किसने लिखा, यह किताब किसने लिखा, बच्चे आप सबको दिखाई दे रहा है, यह माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा, तो आपको बताना है सरदार पटेल ने लिखा, नेहरू ने लिखा, एम के गांधी ने लिखा, यह जाकिर हुसैन ने लिखा। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मैंने कल बताया था, इसका अर्थ है सत का सामना या सत से सामना, सत से सामना किसने लिखा, तो आपको बताए थे आप लोगों को एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा। हम मैसेज देखने के लिए उधर देख रहे हैं, एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको लिखा था, लिखा था या लिखे थे, जो भी मेरे वह बहुत महान है, हम लोग के एक श्रद्धे और हम लोग उनको बहुत ही श्रद्धा की नजर से देखते हैं महात्मा गांधी को। चलो, हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, जिसको बापू, फादर ऑफ नेशन किनको कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन किनको कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन किनको कहा जाता है, तो नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, गांधी को या नन, बच्चे आप सबको बताना है किनको कहा जाता है, बच्चे आप सबको बताना है किनको कहा जाता है फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन किनको कहा जाता है, बच्चे फादर ऑफ नेशन किनको कहा जाता है, तो नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर, पांच का सी हो गया। अगर पढ़े होंगे जरूर फायदा होता होगा, कल वाला जो पढ़े होंगे। ही वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए, गांधी जी चंपारण कब गए, मतलब हमारे चंपारण में कब आए, वह कब अराइव किए, अराइव मतलब आगमन उनका कब हुआ था, और आपको मालूम है 1917 में गांधी जी ने चंपारण में आगमन किया था, और एक चंपारण सत्याग्रह के नाम किसान नील की खेती करते थे, और वो खेती करते नहीं थे, करवाया जाता था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और वह अत्याचार करते थे हमारे भारतीय बिहार के, बिहार क्या चंपारण में कह सकते हैं, चंपारण के किसानों पर अत्याचार करते थे, और इसी अत्याचार को देखकर गांधी जी 1917 में हमारे चंपारण में आए थे, और उन्होंने एक प्रकार का आंदोलन चलाया था, और उस आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने जो किसान थे उसको नील की खेती करने को बाध्यता खत्म कर दिया, और मुक्त हो गए किसान। चलो, 1917 होगा इसका। माइंड इज ए डैश वर्ड, माइंड क्या है, माइंड इज ए डैश वर्ड, माइंड क्या है, इसका आंसर क्या होगा, तो माइंड इज ए डैश वर्ड, रेस्ट, फास्ट, प्रे या रेस्टलेस, तो माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, हमेशा दिमाग में खुरपाती चीज जाता है, हमेशा कुछ पाने के लिए है वे मोर, कुछ कुछ पाने के लिए हम लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, और इसीलिए कहा गया है माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, इसका आंसर हो गया रेस्टलेस होगा बच्चे, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, इसका डी नंबर होगा, सात का डी नंबर होगा, सात का डी नंबर होगा बच्चे। चलो, हु शूट ए गांधी, गांधी को किसने मारा, गांधी को किसने मारा, गांधी जी को किसने मारा, गॉड से, राम से, लक्ष्मी या नन, तो इसका आंसर होगा, आप बता सकते हैं बच्चे, हम देख रहे हैं आप लोगों, गॉड से होगा, नाथूराम गॉड से, नाथूराम गॉड से,
तो गॉड से उनको मिला दिए थे, और मिलाने वाले कौन थे? नाथुराम गोडसे थे। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। एम के गांधी यूज्ड एज द चीफ वेपन। एम के गांधी का मुख्य हथियार क्या था? एम के गांधी को किस हथियार का यूज करते थे? बहुत लोग बोलेगा लाठी लेकर चलते थे। लाठी लेकर चलते थे तो हथियार नहीं था, वो सहारा था उनका। तो किस हथियार का यूज करते थे? नाइफ, चाकू, बैम्बू स्टिक, छड़ी, सॉल्ट, तलवार, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी इसी का यूज करते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। बच्चे, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ल्ड मीन्स आवर, गौर करें बच्चे, माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ल्ड, दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, मीन्स इसका मतलब आवर माइंड इज, हमारा दिमाग क्या है? सीख है, थर्स्टी है, अनसेटिस्फाइड है या नन है? दिमाग एक बेचैन चिड़िया है, इसका मतलब यही हुआ कि दिमाग असंतुष्ट है। दिमाग असंतुष्ट है, वह संतुष्ट कभी नहीं रहता है, असंतुष्ट है। इसका आंसर का अनसेटिस्फाइड, 10 का हो गया सी नंबर, अनसेटिस्फाइड। बच्चे गौर करना, अनसेटिस्फाइड इसका आंसर होगा, अनसेटिस्फाइड होगा आंसर। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। आपको बताना है भारतीय गौरव क्या है? अचल है, टिकाऊ है, वो कभी टूट नहीं सकता है। भारतीय गौरव हमारा जो सत्ता संस्कृति गौरवशाली अतीत है, और यह इसका आंसर ए नंबर होगा, इसका आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर होगा। अच्छे, यह हमेशा एग्जाम में पूछता है, इस साल भी एग्जाम में पूछा हुआ था, हमेशा पूछता है। देखिएगा अभी तक 7 साल इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, फिर बदल देंगे, 7 बार ये पूछ चुका है। चलो, हमारे जो पूर्वज थे इंजॉय करते थे टाउन रूल, कोर्ट रूल, विलेज रूल या मॉडर्न रूल, किस रूल से वे लोग आनंदित महसूस करते थे? गांव के रूल से, गांव के शासन को वो सर्वोपरि रखते थे और उससे इंजॉय करते थे। इसका मतलब है उस जमाने में भले गांव में व्यवस्था नहीं था, लेकिन गांव के लोग संतुष्ट थे और एक अच्छा जिंदगी जीते थे। और इसका आंसर का विलेज रूल, विलेज रूल का आंसर। गांधी जी ऑटोबायोग्राफी इज इन, गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी किस किताब में है? गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी किस किताब में है? बच्चे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या नॉन। आपको बताना है गांधी जी की आत्मकथा किस किताब में चित्रित है? गांधी जी की आत्मकथा किस किताब में चित्रित है, किस किताब में है? तो इसका आंसर हो गया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसका आंसर सी नंबर होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा, सी नंबर होगा इसका आंसर। चलिए, इंडिया इज कॉल्ड कंट्री ऑफ, भारत को कहा गया है किस चीज का देश? आप सबको बताना है भारत को किस चीज का देश कहा गया है? गांव का देश कहा गया है, भारत को गांव का देश कहा गया है। तो विलेज, इसका आंसर हो गया विलेज, भारत को गांव का देश कहा गया है, इसका आंसर हो गया विलेज होगा, विलेज होगा, इसका उत्तर ए नंबर होगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ गॉड, मैन, मटेरियल, नन। आधुनिक सभ्यता जो है वर्शिप है, पूजनीय है, किसके लिए? आजकल आधुनिक सभ्यता को कौन लोग पूछते हैं? तो क्या चीज बन गया है? गॉड, मैन, मटेरियल, नन। इसका आंसर क्या? मटेरियल हो जाएगा, इसका होगा आंसर मटेरियल होगा, मटेरियल होगा। तो बच्चे ध्यान देंगे, सब जरूरी नहीं है, जो जरूरी है हम खुद उसको 2-3 बार बोल रहे हैं, जो जरूरी है ना उसको 2-3 बार हम खुद बोल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। वेल्थ एंड लग्जरीज, लग्जरीज डू नॉट मेक ए, जो संपत्ति है और जो वैभव है डू नॉट मेक ए, कौन चीज करती है? मनुष्य को, बर्ड को, ऑक्स को, डॉग को, मैन, यह बना देती है। किसको बना देती है ये जो वैभव है और जो संपत्ति? किसको चाहिए? चिड़िया को चाहिए, ऑक्स को चाहिए, डॉग को चाहिए कि मैन को चाहिए? आप बताइए, ये संपत्ति या आप हर चीज़ कह सकते हैं उसको, प्रॉपर्टी कहिए, वेल्थ कहिए,
या जो भी कह सकते हैं, ये किसको जरूरत है? जानवर को नहीं चाहिए, खाते हैं छोड़ देते हैं। चिड़िया को भी नहीं चाहिए, घोंसला बनाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, फिर घोंसला तोड़ के चले जाते हैं। तो सेल सही है, ये सब किसको चाहिए? मनुष्य को चाहिए। मनुष्य क्या है? एक भौतिकवादी प्राणी है जो हमेशा लालच में है। आज मिल गया, फिर आए के लिए भी सोचते हैं, फिर उसके आए के लिए सोचते हैं, यह नहीं सोचते हैं आज का वर्तमान हमारा आने वाले भविष्य के कारण खराब हो रहा है। और इसीलिए मनुष्य को लालच प्राणी कहा गया है। इसमें हो गया मैन, हो गया डी नंबर इसका। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स का। यूरोप के जो लोग थे प्रेरित थे किससे? ग्रीक से, ग्रीक एंड रोमन राइटर से प्रेरित। ग्रीक होगा इसका आंसर। जो यूरोप के जो लोग हैं हमेशा प्रभावित थे किससे? ग्रीक से और रोमन के राइटर से। इसका आंसर ग्रीक होगा, बी नंबर होगा। 17 का बी होगा, ग्रीक होगा। इन इंडियन सिविलाइजेशन गेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। भारतीय सभ्यता में गेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ, अतिथि किसका रूप है? रिलेटिव है, लीडर है, गॉड है या नन? अतिथि किसका रूप है? तो गॉड का रूप है। बच्चे गौर करना, गॉड का रूप है अतिथि। देव भव, देव का मतलब देव होता है, देव मतलब गॉड होता है। अतिथि किसका रूप है? तो देव का रूप है, इसका गॉड होगा। 18 का सी नंबर होगा, 18 का इसका आंसर सी नंबर होगा, 18 का सी नंबर आंसर होगा। एट फर्स्ट मैन डिस्कवर्ड, शुरुआत में मनुष्य ने किसका खोज किया? मनुष्य ने किसका खोज किया? बच्चे गौर करना, मनुष्य ने किसका खोज किया? व्हील चक्का का किया, फायर आग का किया, मनी का किया या नन? तो आपको बताए हैं सबसे पहले मनुष्य ने, मैन, एट फर्स्ट मैन वाज जस्ट लाइक एन एनिमल, नॉट एनिमल मींस एप, लंगूर। मैन वांडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, आफ्टरवर्ड्स मैन डिस्कवर्ड फायर एंड विद द हेल्प ऑफ फायर मैन एट वाइल्ड मीट एंड सेव्ड ऑन लाइफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड नाउअडेज मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू थिंकिंग और माइंड पावर। Due to thinking power, mind power, man is better than animal. So we can say that man is the supremo of the world due to mind power and thinking power. And these powers makes man better. So at first man discovered fire. तो मनुष्य ने सबसे पहले किसका खोज किया? आग का खोज किया। 19 का B नंबर होगा, 19 का B नंबर होगा, B नंबर होगा बच्चे। आवर सिविलाइजेशन टीचेस, हमारी जो सत्ता है सिखाती है, हम सबको क्या सिखाती है? द वे ऑफ लिविंग, रहने का ढंग, द पाथ ऑफ ड्यूटी, टू विन द इनिमी, टू मेक मनी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। हमारी सत्ता ये सिखाती है, रास्ता बताती, ड्यूटी कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन करने को सिखाती है हमारी सत्ता। और कर्तव्य से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं। अपने धर्म कर्तव्य का सबसे पहला हम लोग कर्तव्य बनता है अपने माँ बाप की सेवा करना, दूसरा कर्तव्य बनता है अपने रिलेटिव का सेवा करना, और तीसरा कर्तव्य बनता है अपने समाज में जो भी हैं, आपसे नीचे हैं या जो सक्षम नहीं है उसकी सेवा करना। और यही ड्यूटी हमारी है, और यही हमारी सत्ता और संस्कृति सिखाती है। इसका आंसर हो गया द पाथ ऑफ ड्यूटी। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन, खुशहाली निर्भर करती है फिजिकल एबिलिटी, डिजीज पर, मेंटल कंडीशन या ना। खुशहाली निर्भर करती है मेंटल कंडीशन, हमारी मानसिक स्थिति पर खुशहाली निर्भर करती है। आपका दिमाग सही है तो आप खुशी से भरे हुए हैं, और दिमाग में कोई चीज़ भरा हुआ है तनाव तो आप खुशी नहीं रह सकते, इसका मेंटल कंडीशन है। फ्राओ वेयर रूलर्स ऑफ एंशियन ग्रीस, इजिप्ट, रोम या इजिप्ट होगा, इसका बी नंबर होगा। यह पूछता है फराओ जो रूलर थे वो प्राचीन किसके थे? इजिप्ट के थे, बी नंबर होगा। 22 का बी नंबर होगा। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर फिलोसोफर फार्मर्स। तो सेक्रीफाइस किसका एम था, किसका लक्ष्य है? तो फिलोसोफर का था। उस जमाने में फिलोसोफर तो तर्क करते थे, तर्क शास्त्री जो थे उसके लिए सेक्रीफाइस जो है था एम था, एम मतलब लक्ष्य था, इसका फिलोसोफर होगा। कुछ क्वेश्चन को सब देख लीजिए, आपको हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है।
गांधी जी वाज सूटेड बाई नाथुराम गोडसे इन डेथ नोट। गांधी जी को गोलियों से भून डाला गया, मार दिया गया नाथुराम गोडसे द्वारा किस भवन में किया गया था? तो इसका सुरजा भवन, व्हाइट हाउस भवन, बिरला भवन। इसका आंसर हो गया बिरला भवन। इसका आंसर होगा बिरला भवन होगा। बिरला भवन में आपको बताए थे, बिरला भवन में 1948 में इनको गोलियों से भून दिया गया था। तो बिरला भवन का सी नंबर होगा। बापू डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड एट द एज ऑफ, बापू ने इस दुनिया से प्रस्थान किया, इस धरती को छोड़कर हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर प्रस्थान किस उम्र में किए थे? तो 75, 76, 78। इसका आंसर हो गया 78। 25 का आंसर हो गया सी नंबर होगा, 78 होगा। इसका आंसर 78 होगा, 78 होगा बच्चे। चलो, तो ये उनका जवानी का फोटो है, गांधी जी उनकी पत्नी है। चलो अब शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत है एक्स्ट्रा फालतू, हम जो बता रहे हैं उसको आप देखिएगा, बहुत कम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें। हु वाज एम के गांधी, एक्सप्लेन। एम के गांधी कौन थे, इनका एक्सप्लेन करें, वर्णन करें। तो एम के गांधी वाज ग्रेट लीडर, एक महान नेता, एंड ग्रेट सोल ऑफ इंडिया, भारत के महान आत्मा थे। वी कॉल हिम बापू, यहाँ सब टाइप में दिक्कत हुआ है, बापू हम लोग उनको बापू कहते हैं। ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया अगेंस्ट द ब्रिटिश, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, एक धार्मिक कह सकते हैं, धर्म गुरु भी, धर्म नहीं कह सकते हैं, आध्यात्मिक कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक नेता थे जो सभी धर्म को जोड़ने का प्रयास करते थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। एंड ही बिलीव इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास करते थे, हिंसा में नहीं अहिंसा में विश्वास करते थे। अलग है, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से अलग है। बिकॉज इन इंडियन सिविलाइजेशन गेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ गॉड, अतिथि ऊपर वाले का रूप होता है। वी गिव रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, हमें हम सम्मान देते हैं माता पिता को। आवर मोरल वैल्यू इज लेस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा नैतिक जो द वैल्यू होता है कम हो जाता है आधुनिक समाज में। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार मॉडर्न मशीन्स एंड मटेरियल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, आजकल जो आधुनिक मशीन है और जो भौतिकवादी सामान है वो बहुत ही हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हानिकारक। सही बात है, उस जमाने में गांधी जी ने बोला था और शायद आज हम इस बात को कोरोना के चलते देख भी लिए हैं। आज हम लोग ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर को एक एक लाख में खरीदते हैं। एक पेड़ लगाओगे कम से कम 10 आदमी को लाइफ टाइम ऑक्सीजन देता है एक पेड़। चलो, व्हाई डज गांधी से, गांधी क्यों कहते हैं, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन चिड़िया है। व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस, क्या बना देती है दिमाग को बेचैन? अकॉर्डिंग टू गांधीज माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन चिड़िया, इसे जो बताएंगे इज इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स डेट आवर माइंड इज नॉट सैटिस्फाइड, हमारा दिमाग संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए बेचैन रहता है, इसलिए कहा गया है दिमाग एक बेचैन चिड़िया है। एंड इट वांट्स, वो चाहती है मोर एंड मोर, अधिक से अधिक कुछ चाहती है, अधिक से अधिक कुछ चाहती है। आवर नीड्स, हमारी जो जरूरत है आर अनलिमिटेड, हमारी जो जरूरत है अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। पैशंस आर नेवर सेटिस्फाइड, और जो पैशन है, जो एक प्रकार का जोश उमंग कर सकते हैं, वह है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसका मतलब दिमाग कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी जी ने क्या किया बिहार के किसानों के लिए? बिहार नहीं कह सकते हम, चंपारण कह सकते हैं, लेकिन बिहार की बात है। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं द ब्रिटिश एब्जॉर्ब द बिहारी इन मेनी वेज, जो अंग्रेज थे वो अनेक प्रकार से हमारे बिहारियों को शोषण करते थे। ड्यू टू द फार्मिंग ऑफ
इंडिगो, नील की खेती करने के चलते बिहारी किसानों को बहुत तंग करते थे। दिल्ली में मिजरेबल कंडीशन, वे लोग दयनीय स्थिति में रहा करते थे। सो गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी का आगमन हुआ चंपारण में इन 1917 में, एंड स्टार्टेड, उन्होंने शुरुआत किया सत्याग्रह आंदोलन। ड्यू टू दिस मोमेंट, इस आंदोलन के कारण द ब्रिटिश गॉट रिलीफ फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स, बिहारी फार्मर्स, चंपारण फार्मर्स, और इस कारण से अंग्रेजों ने हमारे जो किसान थे, जो नील की खेती करते थे, उसको आज़ाद करा दिया, आज़ाद कर दिया। और इसी के बारे में है, और शायद जाते जाते गांधी जी का बहुत पवित्र भजन था, सब जात, इसमें कोई जात धर्म की बात नहीं थी, और उनका आप कभी सुबह में कभी उनका भजन सुनना, रघुपति राजा, हम तो बैच में भी सुनाते हैं बच्चों को सुबह 5 बजे वाला बैच था, उस समय हम लगा देते थे, रघुपति राघव राजा राम। और मैं बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन हम यही चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर कुछ कमेंट्स मिल सकता है इसे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह, देखिए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इसका सेंस यही है। हम लोग कहीं भी कुछ करते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, या चर्च जाए, गिरजाघर जाए, हम लोग कहीं भी जाए, लेकिन यही मानते हैं कि दुनिया सही रहे, और ये जो मानवता जो है कभी ख़त्म नहीं होगी। मानव धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, और इसी के बारे में यह है, आप लोग इसको देखेंगे। और सही बात, बचा बोला एक और बचा हुआ है, देख लेते हैं। कल शनिवार है, कल मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, एक नया टॉपिक मैं कल लेके चलूंगा। मैंने याद करूँ आप लोग को, बीच में कहीं कहीं देते थे, एक बार एयरफोर्स का दिए थे, एक बार नेवी का दिए थे, एक बार आर्मी का दिए थे, और हम थोड़ा सा उसको भी कभी कभी लेके चलेंगे, क्योंकि कल हम नहीं चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाए, कुछ बच्चों को नया चीज़ें। देखिए हमारे बिहार में आज दरोगा का रिजल्ट भी आया, आप लोग को मालूम होगा, बहुत बच्चे निकले भी हैं। और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, हम ये नहीं करें, इंटर लेवल पर जो चीज़ है, दरोगा बी एड होता है, इंटर लेवल पर बिहार पुलिस होता है। तो मैंने एक चरण क्रम बनाया था, एयरफोर्स का बताया था, नेवी का बता दिया था, और आर्मी का बताया था। बहुत बच्चे ने बोला सर बिहार पुलिस का बताइए, तो कल मैं इसलिए भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा, आप लोग भी देखिएगा, अच्छा लगेगा, कि जानकारी चाहिए आपको। देखिए हमें नहीं करें, बिहार एक बीए पास अगर बिहार पुलिस में जाता है तो प्रमोशन से वो दरोगा हो सकता है, दरोगा हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं, मेरे अपने खुद अपने चचेरे अंकल जो है दरोगा बिहार पुलिस में गए, बीए पास थे, दरोगा से रिटायर किए, तो आप समझ सकते हैं प्रमोशन भी मिल सकता है। तो हम ये नहीं करना चाहते, हम एक चरण क्रम है जो पढ़ाते हैं, कल बिहार पुलिस का मैं लाऊंगा और आपको अच्छा लगेगा। बहुत लोग यूट्यूब पर बिहार पुलिस के बारे में कर रहे हैं, मैं पूरा चीज बताऊंगा आपको, सिलेबस से लेकर उम्र, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, सब बताएंगे। और मेरा वो क्रम हर शनिवार को चलता रहेगा, और कल क्लास को मिस नहीं करेंगे, आप बच्चों को बोलेंगे कि सब पढ़ाएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। और बस हम यही कहेंगे, आप लोग सब्सक्राइब पर ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ाई तो कीजिए लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि करते हैं, इन्हें कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं बच्चे, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन उसका रेशियो कम थोड़ा सा है, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दें, और जो नहीं किए उस प्रयास कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब से होता कुछ नहीं है, एक मनोबल बढ़ता है। चलो जय बिहार, जय विद्यार्थी।